पिछले हम दो बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे विश्व स्तर पर 192 देशों में मना चुके हैं और उसके लिए भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस बार तीसरा 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है उसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी इस बार की हमें कार्यक्रम आयुष मंत्रालय से राजस्थान सरकार से मिला है, जिसमें इस बार 7 दिन के लगातार कार्यक्रम योग से संबंधित कार्यक्रम होंगे। उनमें प्रभात फेरियाँ 3 दिन 15, 16, 17 को, 18 तारीख को साइकिल रैली होगी, 19 तारीख को सांस्कृतिक संध्या नुक्कड़ सभाएं होंगी, साथ में 21 जून को भी केवल 45 मिनट का कार्यक्रम सुबह का ही नहीं होना है, उसके साथ साथ व्याख्यान होने हैं योग के संबंध में, संगोष्ठियां होनी हैं और रात्रि को सांस्कृतिक संध्या जिसमें योग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आकृतियाँ बच्चे करेंगे, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। अजमेर में पहले भी राजस्थान का दूसरा नंबर पर 1,67,000 लोगों ने भाग लिया था, इस बार ये आंकड़ा 2,00,000 से ऊपर होगा। इसके लिए 282 ग्राम पंचायतों पर पतंजलि योग समिति के माध्यम से योग प्रशिक्षित लोगों को लगाया गया है, शारीरिक शिक्षकों को लगाया है, आयुर्वेद चिकित्सकों को लगाया गया है और साथ में आयुर्वेद विभाग जो नोडल अधिकारी के रूप में यहाँ हमारे बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने 150 से अधिक चिकित्सा कर्मियों को भी इसमें प्रशिक्षण दिया है, 1,400 के लोग शारीरिक शिक्षक इसमें सन्नद्ध हुए हैं। ये सभी मिलकर इस बड़े आंकड़े को पूरा करेंगे, क्योंकि योग पूरी दुनिया में अब जाना पहचाना और परखा एक ऐसी विद्या हो गई है जिसके लिए सब और इसके लिए लालायत हैं, इसे पाने के लिए। योग संजीवनी है, योग वरदान है और उसकी ओर पूरा विश्व बढ़ रहा है।